शहर पुलिस परिमंडल क्रमांक 1 के उपायुक्त नुरुल हसन के सिविल लाइन स्थित बंगले से चंदन के पेड़ काटकर ले जाने वाले दो आरोपियों को काटोल में जाल बिछाकर पकड़ा गया। आरोपियों के नाम राजेश उर्फ राजा केशवराव गुजरवार गौनी और रूपेश कुकुल मुरडिया वाडोना काटोल निवासी है। आरोपियों के फरार साथी ओम प्रकाश उर्फ सचिन तेजराम गुजरवार वाडोना निवासी की तलाश की जा रही है। आरोपियों से चोरी का माल जब्त किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 दिन की पुलिस रिमांड हासिल की। गुरुवार को पुलिस रिमांड समाप्त होने पर उन्हें न्यायालय ने न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस उपायुक्त नूरुल हसन सिविल लाइन स्थित बंगला नंबर 32 सिविल लाइन सदर में रहते हैं। बंगले की सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य शुरू था। उस दौरान राजेश गुजरवार रूपेश मुरडिया और ओम प्रकाश उर्फ सचिन गुजरवार गत 11 जुलाई को रात करीब 9 बजे नाले की ओर से बिना सुरक्षा दीवार की जगह से अंदर घुसे और चंदन की पेड़ की लकड़ी काट कर ले गए। 12 जुलाई को हवलदार रविंद्र चिसघाटे की शिकायत पर सदर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया था। पुलिस उपायुक्त विनीता शाहू के मार्गदर्शन में छानबीन शुरू की गई। सदर के वरिष्ठ थानेदार संतोष बकाल ने सहयोगी के साथ आरोपियों की खोजबीन में लगी। पुलिस ने गुप्त सूचना व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन आरोपियों का पता लगा लिया। राजेश गुजरवार और रूपेश मुराडिया को काटोल से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों से पुलिस दस्ते ने 5 किलो 500 ग्राम चंदन की लकड़ी सहित करीब 16,500 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी पुलिस उपायुक्त नूरुल हसन के बंगले के अंदर से करीब 10 फीट लंबा चंदन का पेड़ काट कर ले गए थे। आरोपी जिस जगह से बंगले के अंदर घुसे थे वह सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य शुरू था। रात में आरोपी इसी बात का फायदा उठाकर उनके बंगले में घुसे। फरार आरोपी की खोजबीन शुरू है। सदर के वरिष्ठ थानेदार संतोष वकाल के अनुसार आरोपी ओम प्रकाश गुजरवार भी जल्द ही पुलिस गिरफ्त में आ जाएंगे। सदर थाने के हवलदार भास्कर रोकड़े, सिपाही विजेंद्र यादव, हरीश वाड़ी, सुधीर मड़ावी, आशीष वहाल और रूपेश हिवराले ने कार्रवाई में सहयोग किया। दिनांक 11/7/21 ते 12/7/21 च्या रात्री दरम्यान बंगल्यातील चंदनाचे झाड 10 फूट लांबीचे 1.5 फूट रुंदीचे कोणीतरी अज्ञात चोरांनी चोरून नेले होते। त्या गुन्ह्याचा तपास सदर पोलिसांनी सुरू केला। त्याच्यामध्ये एक आरोपी राजेश गुजरवार राहणार गोनी जिल्हा परिषद जवळ काटोल याला अटक केली। त्याच्याकडून जी माहिती मिळाली त्याच्यानंतर त्या गुन्ह्यामध्ये अजूनही 2 आरोपी होते, रूपेश मुरडिया आणि एक फरार आरोपी आहे। रूपेश मुरडियाला पण अटक केले। रूपेश मुरडियाकडून मुद्देमाल या गुन्ह्यातील रिकवर झालेला आहे। अजूनही गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। या गुन्ह्यातील आरोपींची एमओबी अशी आहे की ते काही कारण नसताना काटोलहून येऊन पूर्ण एरियामध्ये फिरतात, चंदनाच्या झाडांचा बघतात, अभ्यास करतात आणि संधी मिळताच साथीदारांना बोलवून ते झाड कापून त्याचा जो गाभा आहे चंदनाचे लाकूड चोरून नेतात। तर अशी यांची एमओबी आहे आणि लाकूड तोडीच्या व्यवसायातच हे लोक आहेत। गुप्त माहितीवरून सदर पोलिसांनी हा गुन्हा शोधला। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN न्यूज नागपूर।